Hello, students, welcome to the channel. I'm Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. I hope all of you are doing fine and making a good use of this lockdown period by. कम्प्लीटिंग योर स्टडीज इन एन एलैबरेटिड मैनर तो हम आपके लिए एम सी क्यू सीरीज लेकर आए हैं अबाउट द इंडियन राइटर्स इंडियन राइटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखें एम सी क्यूज को सॉल्व करें तो सिर्फ रटिए मत करेक्ट आंसर को क्वेश्चन को जानने की और आंसर को जानने की दोनों की कोशिश करिए तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बैचलर ऑफ आर्ट्स आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी कई लोगों ने सुनी होगी हु इज़ दी ऑथर ऑफ द नॉवल बैचलर ऑफ आर्ट्स तो करेक्ट आंसर इज आर के नारायण और हम थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं इसी के साथ ये आर के नारायण की एक ट्रिलॉजी का पार्ट थी और ये उस ट्रिलॉजी की सेकेंड बुक थी फर्स्ट बुक मैं आपको बता दूँ स्वामी एंड फ्रेंड्स थी और थर्ड बुक द इंग्लिश टीचर थी दिस बुक बैचलर ऑफ आर्ट्स ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन थर्टी में एंड ऑल द थ्री आर सेट इन मालगुडी ये एक कॉमन बात है इन तीनों बुक्स के बीच में ये तीनों बुक्स की सेटिंग मालगुडी की है और आर के नारायण के बचपन को ही कहीं ना कहीं ये तीनों नॉवेल्स रिफ्लेक्ट करती हैं इनमें कहीं ना कहीं वी फाइंड दी ऑटोबायोग्राफिकल पुट्स ऑफ आर के नारायण एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साहित्य अकेडमी अवार्ड तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्टिसपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द राइटिंग इन इंग्लिश द करेक्ट आंसर अगेन आर के नारायण तो आर के नारायण को ये अवार्ड मिला था द गाइड के लिए 1960 में द गाइड और मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी 2019 में ये अवार्ड किसको मिला है कैन यू टेल मी 2019 में ये अवार्ड मिला है शशि थरूर को शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है अपने नॉन फिक्शन वर्क के लिए जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है अ वेरी पॉपुलर फिल्म वॉज मेड ऑन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल तो करेक्ट आंसर इज गाइड शायद मैंने अभी इसकी बात की थी या आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस नावल एज वेल दिस इज़ माई फेवरेट ऑल्सो तो आर के नारायण का ये नावल था द गाइड जिस पर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी देवानंद ने जिसमें काम किया था एंड वहीदा रहमान ने भी काम किया था शी प्लेड द रोल ऑफ अ डांसर तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म ऑफ आर के नारायण नावल द गाइड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन सीरियल की ये क्वेश्चन भी आर के नारायण से ही रिलेटेड है एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल था इट वाज मेड ऑन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण आइडेंटिफाई दी नोवेल ऑब्वियसली द नावल्स नेम इज़ मालगुडी डेज मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो आई एम श्योर अबाउट इट तो मालगुडी डेज 1986 में दूरदर्शन पर आया करता था और उस टाइम के बच्चों का बहुत ही एक फेवरेट सीरियल हुआ करता था क्योंकि इसमें बचपन से रिलेटेड बहुत सारी रियलिस्टिक बातें छुपी होती थी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन किस राइटर से रिलेटेड है इट इज रिलेटेड टू मुल्क राज आनंद विच ऑफ़ दावल इज़ रिटर्न बाय मुल्क आनंद तो जब भी आपको क्वेश्चन आए ना तो इज और इज नॉट इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कई बार स्टूडेंट सिर्फ ऑथर का नाम देख लेते हैं और एकदम से आंसर करना शुरू कर देते हैं जबकि ऊपर नॉट लिखा होता है तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा इज रिटर्न बाय मुल्क राज आनंद का आंसर Untouchable. अनटचेबल एक बहुत ही खूबसूरत नावल है मुल्क राज आनंद का जो ऑब्वियसली टाइटल थीम को ही दिखाता है अनटचेबिलिटी और ये नावल पब्लिश हुआ था 1935 में और इस नावल ने ही कह सकते हैं मुल्क राज आनंद को एज ए राइटर एक पहचान दिलवाई थी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ द क्वेश्चन सेज हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाता आप में से शायद किसी ने पढ़ा हो ये दिस इज अ पोएट्री समर इन कैलकाटा तो समर इन कैलकाता किसने लिखी है कैन यू पीपल टेल आई होप मैनी ऑफ यू कैन आंसर दिस समर ऑफ कैलका इज रिटन बाय कमला दास द पोम इज अ टाइटल पीस ऑफ द एंथोलॉजी ऑफ द पोम रिटन बाय कमला दास और ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन नाइनटीन सिक्सटी फाइव में तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब अगला क्वेश्चन इज अबाउट नसीम एजेकियल तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नसीम एजियल का बर्थ ईयर पूछ रहा है इन विच ईयर ही ही ट्वेंटी फोर इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर का उनका बर्थ था एग्जैक्ट डेट वाज़ सिक्सटीन दिसंबर 1924 एंड ही डाइड इन 2004 बहुत ही अच्छे पोएट्रीज इन्होंने लिखी हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हु रोट हाइम्स इन डार्कनेस तो इसका आंसर भी यही है निसिम एजेकियल तो निसिम एजेकअल इसके राइटर हैं हाइम इन डार्कनेस एजेकिअल का हाइम इन डार्कनेस वाज पब्लिश्ड इन 1976 1976 में पब्लिश हुआ था एंड दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ पोइटरीज और ऐसा लगता है कि इस नावल के थ्रू ही डिज़ायर इस uh, कंपाइलेशन के थ्रू ही डिजायर टू अचीव कम्प्लीट आइडेंटिटी विद सेल्फ फैमिली एंड सोसाइटी एंड वी कैन ऑल्सो से गॉड अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन से इज नसीम एज ए केस इज अ ड्रामा अ नॉवेल लिटरेरी एसे और कलेक्शन ऑफ पोम्स दिस हाइव ऑलरेडी आंसर्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन इट इज अ कलेक्शन ऑफ